सर, मेरा नाम जसराज बेनीवाल है और हमारा मुख्य मुद्दा है रीट पोस्टेड को रोको। इस मामले में मतलब रीट 2011-12, रीट 2013 और रीट 2015 संस्कृत विभाग की भर्ती, और उसके बाद में अब जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती रीट 2017-18 का एग्ज़ाम करवाया गया, तो सरकार की सर्टिफिकेट की ज़्यादा अवधि के कारण रीट 2011-12, रीट 2012-13 और 2015 के जितने भी कैंडिडेट्स जो पोस्टेड हैं वो वापस फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और गृह जिले में जाने के लिए वापस बेरोज़गारों का हक मार रहे हैं। और हमारा सरकार से मतलब अनुरोध है कि इस बेरोज़गारों को किसी भी प्रकार से जो पोस्टेड है उनको या तो पहले गृह जिले में समाहित कर दें या फिर उनको रोका जाए, क्योंकि इन्हीं बेरोज़गारों की वजह से आज हज़ारों बेरोज़गार मारे जा रहे हैं। क्योंकि जो जितने भी करीबन 7-8 हज़ार रोज़गार लगे हुए कैंडिडेट्स है जो वापस फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और रीट 2018 की भर्ती में करीबन 8-9 हज़ार की समथिंग स्टूडेंट जो नौकरी थर्ड ग्रेड लग चुके हैं वही वापस आ रहे हैं। वे जो रोज़गार लगे हुए वही वापस रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। अब घर से 10-15 किलोमीटर दूर है और वापस फॉर्म अप्लाई करके घर के नज़दीक आना चाहते हैं। इस वजह से हम करीबन 9-10 हज़ार बेरोज़गार वापस वंचित रह रहे हैं और वो लगे हुए वापस हमारा चिन्ह रहे हैं। तो इस मुद्दे में हमारा सरकार से ये मांग है, एक सर्टिफिकेट से एक ही बार नौकरी दी जाए और बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स किया जाए, और जो एक बार नौकरी लग चुका है समकक्ष वापस उसको उसी थर्ड ग्रेड में नौकरी नहीं दी जाए। हमारे सरकार से ये मुद्दा मुख्य मुद्दा है। सरकार ने जो 28 तारीख को मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी उसमें सरकार के सामने बेरोजगार राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उपेन यादव ने मतलब ये दो मांगें उठाई थी कि एक सर्टिफिकेट का एक ही बार उपयोग किया जाए और बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स किया जाए। तो उसमें मुख्य सरकार ने ये राय दी कि मांगें दोनों जायज है और हम जहाँ तक होंगी इस पर पैरवी करेंगे, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है। और इस भर्ती की जो कट ऑफ है वो भी जारी हो चुकी है, और इस भर्ती में हमने इतना डाटा कलेक्ट किया है तो उसमें जो 2016 की जो कट ऑफ लिस्ट थी और 2018 की जो कट ऑफ लिस्ट थी उसमें हमने मिलान किया, करीबन 7-8 हज़ार पोस्टेड बंदे वापस अप्लाई कर रहे हैं और वापस उनका नाम उसमें पड़ा है। हमारे पास 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स का डाटा विथ वाई सीरियल नंबर और लिस्ट के साथ हमारे पास पड़ा है, और हमारी सरकार ने वापस इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है। और 7 तारीख को हम जयपुर में भी ये मतलब ज्ञापन देंगे, और उसके बाद हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि ये दो मांगे हमारी जरूर माने मांगे। इस अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो वापस रोज़गार लगे हुए बंदों को रोज़गार मिलेगा और बेरोज़गार के वापस बेरोज़गार रहेंगे। हमने करीबन आज 2 साल से तैयारी की है, इतना पैसा खर्च किया है और वापस भी हम बेरोज़गार रह रहे हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस भर्ती में वापस अगर पोस्टेड लगेंगे तो पीछे की सीटें खाली हो जाएगी और नए बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिलेगा। इसमें सरकार को भी नुकसान है और हमको सरकार से भी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम बहुत पीड़ित परिवारों से है। अगर इस भर्ती में हमें मौका नहीं मिला तो हमें आगे कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे कोई भर्ती आने का भी फिलहाल चांस नहीं है। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि सरकार हमारी मांगे माने। रोका ऐसे जा सकता है कि उत्तराखंड भर्ती में मतलब वापस पोस्टेड ने फॉर्म अप्लाई किया था, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि दोबारा आवेदन करने वाले को जो सहायक प्राथमिक शिक्षक हाईकोर्ट में मतलब जो जितने भी पहले लगे हुए थे उनको सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो थर्ड ग्रेड पे लग चुका है और वापस थर्ड ग्रेड फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कमेटी बिठा के उसके खिलाफ जांच की जाए कितने बंदों ने वापस फॉर्म भरा है, और जिन्होंने फॉर्म भरा है उसकी 6 महीने की सैलरी काटी जाए और 6 महीने की जेल दी जाए, और या ये दोनों मतलब मांगे जो सजा है दोनों दी जाए। तो इस तरह पे उत्तराखंड और हिमाचल हाईकोर्ट की तर्ज पे राजस्थान में इस नियम को लागू किया जा सकता है। अगर राजस्थान सरकार ये चाहती है तो सब कुछ हो सकता है, अगर सरकार कुछ नहीं करना चाहती है तो मुश्किल है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक तो एक सर्टिफिकेट का एक ही बार प्रयोग किया जाए, जिससे जितने भी 8-9 हज़ार जो पोस्टेड है वो रास्ते से दूर हो जाएंगे और बेरोज़गारों को नौकरी मिल जाएगी और बेरोज़गारों के परिवार में खुशियां आ जाएगी। दूसरी ये कि बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स किया जाए 5%। बाहरी राज्यों में राजस्थान के लड़कों को 5% से कम को मतलब आवेदन लिए जाते हैं और राजस्थान में 50% कोटा, इससे हमारा तो ज़्यादा हक मारा जा रहा है। बाहर के लोग आते हैं और राजस्थान में नौकरियाँ लेके चले जाते हैं और राजस्थान के लोग तो मतलब बेरोज़गार के बेरोज़गार हैं। और तीसरी मांग ये पोस्टेड को उस सेम पद पर जाने से रोका जाए और उनको पहले से ही गृह जिला नियुक्त किया जाए, जिससे वो अपने जिले में चले जाएँ और वापस सर्टिफिकेट का उपयोग नहीं किया जाए। और एक जो तीसरी मांग है हमारी ये है कि जो वेटिंग लिस्ट आए वो रोस्टर प्रणाली से आए, इससे सभी को फ़ायदा होता है, नहीं तो हम बेरोज़गारों का वेटिंग लिस्ट में भी हमें मार पड़ेगी और
चौथा ये है कि सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आगे चुनाव आ रहा है, हम बेरोजगार हैं, अभी हमारे पास पढ़ाई के लिए भी मतलब इतनी आर्थिक तंगाई है, तो सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि सरकार हमारी मांग जरूर माने। अगर पहली तो बात सरकार की है, सरकार अगर मान लेती है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हमें हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटना पड़ेगा। हमारे पास उत्तराखंड हाईकोर्ट और हमारे पास उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रावधान, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रावधान है, उसके बाद में मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ ये बंदे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके आप देख लो, ये डाटा हमारे पास पड़े हैं और भी मतलब हमारे पास कई प्रावधान है, अगर सरकार मांगे मान लेती है तो बढ़िया, आखिर नहीं तो हमें हाईकोर्ट का दरवाजा सर खटखटाना पड़ेगा। 7 तारीख को जयपुर मतलब एक महा आंदोलन है, वहाँ हमारी सरकार माने मांग जो मांगे हैं वो मान लेगी तो हमारा आंदोलन वहीं ख़त्म कर देंगे और सरकार जो करेगी उसका साथ देंगे, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले आंदोलन करेंगे, उसके बाद हम एक विशाल आंदोलन रखेंगे डेट घोषित करके ज्वाइनिंग से पहले, और एक मान आंदोलन करके उसमें सरकार दबाव बनाएंगे, अगर सरकार मान लेगी तो बढ़िया, नहीं तो फिर हमारे पास प्रूफ है उत्तराखंड हाईकोर्ट के, हिमाचल हाईकोर्ट के, और हम सीधे हाईकोर्ट में जाएंगे, लेकिन पहली बात सरकार की, अगर सरकार मान ले तो बढ़िया है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। अभी हमने मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री के नाम से और बेरोजगार वैसे इतने तंग आ गए हैं, आखिर सरकार इनका मतलब भला करे तो बेरोजगारों का मतलब कई परिवारों में खुशियां आ सकती है और नए बेरोजगार जितने भी हैं उनको रोजगार मिल सकता है।